मैया समझा रही है। मैया कहती है, बेटिया जिस घर की बहू भोर में जल्दी जगती है उसके घर की श्री देवी संपदा उस घर से कभी बाहर नहीं जाती, इसलिए भोर में जल्दी जागना। ये माता मैना, थोड़ा धीमी बजाइए, यह माता मैना अपनी बेटी को समझाती है। माताएं आज भी समझाती हैं, ऐसी बात नहीं है, आज समझाती हैं, बेटा सर्दी में भोर में जल्दी मत जगना, निमोनिया हो जाएगा। और अपने बच्चे का ध्यान ख्याल रखना, और तो सब होते ही हैं, असली संबंध तो पति से होता है, पति का ध्यान रखना। और डोकरी कुछ कहे तो एक फोन मुझे कर देना और मैं उसको फोन पे ही सीधी कर दूंगी, यह समझाया जाता। और आप बेटियों का पक्ष लेकर के बेटियों का घर बसाते नहीं हैं, आप उनका घर उजाड़ते हैं। ये दिन में 10 बार फोन तुम्हें करती हैं, तुमने एक आध बार भी कहा है बेटा इतना बार बार फोन क्यों करती हो। और मैं इस व्यासपीठ से एक बात अनुभवशील कहना चाहूंगा, पियर की याद होनी चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन जो बेटियां ससुराल में रह करके पियर को बहुत याद करती हैं वो ससुराल में कभी प्रसन्न होकर जीवन नहीं जी सकती। ये कोई बात है, आटा लगाया तो फिर फोन, सब्जी में छौंक लगाया तो फिर फोन, दिन में 10 कम बोल गया हूँ, जियो चला है तब से तो पूरी एक माला हो जाती है वो शायद 108 वाली, दे फोन दे फोन दे फोन। आप बेटियों का घर बसाइए, ससुराल की गलतियां सबको समझ में आती हैं, कभी बेटी को भी समझाइए, कहिए बेटा ये तुम्हारे सासू ससुर है, बेटा उनका आदर करना बहुत जरूरी होता है, ये बड़े हैं, ये इन्होंने इस घर को संभाला है, ऐसे समझाइए बच्चों को। लेकिन पढ़ाया कुछ और ही जाता है, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारि धर्म गति देव दूजा। अग्नि पुराण में लिखा है पति सुबह जगता है चारपाई से खटोले से, उसका जहां चरण पड़ता है उसके चरण के नीचे की रज को उठा करके माथे से लगाया जाता है, ऐसा वर्णन है अग्नि पुराण में। आज के समय तो उसे ठीक से बोलने यही बहुत है, पति में पति तो बहुत कम दिखाई देता है, दुर्गुण दोष बहुत दिखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पति लोग दूध के धुले हैं, एक घंटा घड़ियाल भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत परसेंट में आज भी इस धरती पर बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे इंसान मेरे पास आते हैं। और ऐसा नहीं है कि पत्नी के भगत हैं, नहीं, उनके अंदर मानवता है, उनके अंदर इंसानियत है, वो एक नारी की वेदना जानते हैं। ऐसा ना सोचना कि वो वासना के पुजारी है, नहीं, उनके अंदर इंसानियत है, वो अपनी गृहिणी के कष्ट को परेशानी को वो समझते हैं, वो जानते हैं। बाहर धूप ज्यादा है, थोड़ी सी टेबल अंदर ले लें, थोड़ा सा अंदर ले लें, हाँ लोग 4 कदम आगे आते हुए लेते रहेंगे, थोड़ा उधर भी लगा दे। कथाएं तो बहुत कुछ सीख देती हैं। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, ससुराल सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, आप इसकी गृहिणी है, सर्व प्रकार से तुम्हारा ही। इस घर में कोई तुमको ये कहे कि निकल घर से तो बोल देना तुम निकलो, घर मेरा है, अपना भरोसा रखिए इस घर पर, यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे द्वारा ये डेवलपमेंट हुआ है, इसका उत्कर्ष हुआ है इस घर का,
इसको कभी भी पराया मत मानना। आप तो इस घर के खासम से ज्यादा और खासम खास है। कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है, ससुराल को देवियां अपना नहीं मान पाती। आप इसकी गृहिणी है, आप इसकी गृह स्वामिनी है, आप इसकी गृह मालकिन है, इसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है। इसको अपना मानिए। हर चीज का यहां नुकसान आपका नुकसान है, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, चाहे आप अलग अलग हैं। ये सासू ससुर आपके माता पिता नहीं, माता पिता से ज्यादा हैं। मेरे निवेदन पर इनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। सत्य है, गंगा आपके घर में होगी, सगरे देवता आपके घर में होंगे। एक बार के लिए हमें भले ही प्रणाम मत करना, कोई चिंता की बात नहीं है। वृद्धों के तो टांगे दबा दबा करके पांव छूना, इनके भोजन पानी का ख्याल रखना, इससे तुम्हारे पुत्रों की बरकत होगी। ये सब पातिव्रत धर्म में आता है। सिर्फ पति के कपड़ों पर प्रेस कर दें, नहीं, इसका पातिव्रत पति को केंद्र में रख के परिवार को वृत्ताकार बनाइए। गणित पड़ी होगी, मेरी भाषा समझोगे। पति को केंद्र में बिठाया और परिवार को ऐसे बना दिया वृत्ताकार। पति से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपने, उन सब का आदर हो। पति की माँ अपनी माँ, पति के पिता अपने पिता, उनके भाई आपके देवर जेठ, उनकी बहन आपकी ननद, उनके संपर्क में जो भी हैं वो सब आपके अपने। नारी का एक नया जीवन होता है जब ग्रह सूत्र पर बनती है, एक परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार में पहुंचती है। देवता पूर्वज उसके हाथ का भोजन करने के लिए लालायित रहते हैं। धन्य है माता, इसने समझाया बेटी को, कहा बेटी नारी धर्म पति देव हुन दूजा। नारी के लिए पति सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। सास ससुर की सेवा परम धर्म है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन ये मत कहना बहू तो हमारी सेवा करती नहीं है। आप सोचो, आपने अपनी सासू की करी थी सेवा? विचार करो, सोच लो। मैं नहीं, मन में वो तो प्रकृति का सिद्धांत और न्याय बड़ा अचूक है। आपने करी होगी तो आपकी होती रहेगी सेवा, और आपने ये अंगूठा दिखाया तो फिर वो तो थप्पड़ दिखाएगी।